खबरें डिस्कस हो चुकी, स्टॉक्स एंड न्यूज़, साथ ही साथ कहाँ कहाँ आपको तेजी या मंदी का रुझान आता हुआ दिख रहा है, इन सब पर हम लोग चर्चा कर चुके। अब शुरू करते हैं चार्ट चेक्स उन काउंटर्स पर जहाँ पर आपने कल जबरदस्त मोमेंटम देखा या जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी। सबसे पहले हम लोग जुड़ेंगे मानस जायसवाल साहब से और प्रस्तुत करेंगे BHEL का चार्ट। यहाँ पर मानस जी, कल 5.25% ये काउंटर बंद होता हुआ दिखा 68.15। बताइए चार्ट्स पर आपको क्या लगता है, डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स बढ़ती हुई दिख रही हैं और ओपन इंटरेस्ट कल 13% बढ़ा था? देखिए, सबसे पॉइंट ये है कि करेक्शन देखने को मिला था अभी कुछ हफ्ते पहले, लेकिन स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला शैल जी। लगातार पिछले करीब 10 सेशन हो गए ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ था। कल रिकवरी देखने को मिली, 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रिगेन कर लिया, प्राइस पे एक ब्रेकआउट 67 रुपीज के ऊपर देखने को मिला है। मेरे हिसाब से यहाँ से आपको एक शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है जिसमें 75 रुपए तक के स्तर देखने को मिलेंगे, तो खरीदारी करिए 65 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ।